उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है और 28 लोग बुरी तरह से घायल हैं। आपको बता दें कि चार जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम किया गया। बता दें यह हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलेराई गांव में हुआ था। बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार हाथरस के सर्किट हाउस में घटना की विस्तृत जानकारी लेने पहुंचे, वहीं जिला अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल भी पूछ रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और मंत्री संदीप सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। दरअसल प्रशासन की पहली रिपोर्ट के मुताबिक हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई।